वाइल्डस्टोन तरंग सिने उत्सव 2020। सबसे पहले जय जगन्नाथ। मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई और देरी का कारण है भुवनेश्वर नगर निगम। मैं जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकला वहां बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ है भुवनेश्वर नगर निगम वेलकम्स यू। तो मैंने कहा वेलकम्स यू लिखा है तो मैं वहीं खड़ा हो गया कि कोई स्वागत करने आएगा। डेढ़ घंटे खड़ा रहा तब एक टैक्सी वाले ने बताया इधर कोई आता नहीं वैसे लिखा रहता। कुछ चीजें जबरदस्ती लिखी होती है जिनका कोई मीनिंग नहीं। दीवारों पे लिख देंगे कृपया बाएं हाथ से चलें, किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने ट्राई की मेरी कोहनी छिल गई। एक घर के बाहर मैं गया किसी के यहां चाय पीने गया था, घर के बाहर लिखा हुआ बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। मुझे अच्छा लगा भाई ये फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट करता है। घर के अंदर गया देखो तो 6 बच्चे खेल रहे आंगन में। हमने दादा बाहर तो लिखा है बच्चे दो ही अच्छे। नहीं नहीं हम गलत लिखता नहीं है, बच्चे दो ही अच्छे है, 4 बदमाश है। आजकल एक बीमारी बहुत चल रही है, शायद आप भी उससे परेशान होंगे। ये बीमारी है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप व्हाट्सएप से परेशान हूं भाई साहब। आपके भी कुछ कमीने दोस्त होंगे, मेरे भी कुछ कमीने दोस्त हैं। ये लोग रात को 2 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं। अब इनसे पूछो रात को 2 बजे तुम्हारे घर में कहां से सूरज घुस रहा है। एक चाय की प्याली बना देते हैं, 2 गुलाब के फूल, 1 बिस्किट, ले पकड़ सुप्रभात। मैंने कहा ये 2 बजे उठते कैसे। किसी ने बताया रात को उठते हैं इस काम से उठते हो, करते करते मारते सेंड। तो आप समझ जाइए आपकी सुप्रभात कहां से होके आ रही। अच्छा एक चीज और मेरे हाथ तक समझ में नहीं आई, हर न्यूज चैनल में रात को 12 बजे के बाद ये लोग माल बेचना शुरू कर देते हैं, न्यूज बंद कर देते हैं, स्काई शॉपिंग शुरू हो जाती है। अब ये किसका आइडिया है, 12 बजे के बाद कौन सा प्रोडक्ट बिकता है। हमें लगता है इसके ओनर कहते होंगे हिंदुस्तान सो गया है माल बेचो, कौन जाग जाग के खरीदता है। अच्छा स्काई शॉपिंग पूरा ड्रामेटाइज करके माल को बेचते हैं, पूरा एनर्जी डाल के। पहले मैं बहुत परेशान था, मेरे घुटने बेकार हो गए थे, मेरा चलना फिरना मुश्किल हो गया था, डिप्रेशन का शिकार हो गया था, मैं एक ही जगह चेयर पे बैठा रहता था। उसके बाद नीरव मोदी ने मुझे पंजाब नेशनल बैंक से लोन दिला दिया, अब मैं भाग सकता हूं। एक चीज और मैं क्लियर कर लूं, आप लोग एक बात से मेरी गारंटी लेके चलिए, बैंकों में आपका पैसा पूरा सुरक्षित है, हिंदुस्तान की हर बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है, मेरी गारंटी है। यस बैंक में भी सुरक्षित है, इतना सुरक्षित है भाई साहब कि आप खुद भी निकाल नहीं सकते। हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन है, उनका नाम है गजोधर, बिहार के हैं। तो मैंने देखा है उनके यहां पर टैटू बना हुआ, टैटू, और वो भी गिटार बना, गिटार। हमने कहा इधर गिटार बनाया आपने, अरे साहब अच्छा रहता है, ठीक रहता है, गरीब आदमी है, मनोरंजन हो जाता है। तो इसमें मनोरंजन कैसे होता है, जब खुजाते हैं तो गिटार बजता है। ये भैया जा रहे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है ये, जा रहे हैं जो ये धर्मेंद्र प्रधान को फोन करके नवीन जी का नंबर मांगते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं तरंग का, और इन्होंने इतना अच्छा तरंग सिने उत्सव रखा है 2020। और हमारी भाभी जी का शुक्रगुजार हूँ, मिसेस जंकी पांडा जी का। लेकिन उनसे एक ही शिकायत है मुझे, एक कंप्लेंट है, मैं कंप्लेंट करके जाऊंगा। भाभी जी कहाँ बैठी हैं? अरे वाह, एक शिकायत है आपसे। मुझे बंबई से जो टिकट दी फ्लाइट की, वो टिकट दी मुझे एयर इंडिया की। एयर इंडिया में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भाई साहब सच्चाई है, ये दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको माँ का प्यार मिलता है। एयर हॉस्टेस रिटायर हो गई फिर भी लगी हुई है, कोई रिटायर कर ही नहीं रहा उनको। जितनी डांट मैंने एयर इंडिया में खाई है, मेरे माँ बाप ने भी इतना कभी नहीं डांटा। जरा सा लेट हो जाओ ऐसा बिहेव करती है, कहाँ रह गए थे, आने के टाइम है, मार झापड़ खींच के, तू अभी आया है, पायलट तुमको ढूंढने गया है। अच्छा जबरदस्ती की बात, अच्छा इनको अनाउंसमेंट किसने सिखाया है वो आदमी मुझे मिल नहीं रहा है। कौन सा क्रिएटिव आदमी है जिसने ये अनाउंसमेंट सिखाया है। आप एयरपोर्ट पे आइए,
लेट नाइट फ्लाइट हो, एयरपोर्ट पे जो अनाउंसमेंट होता है, मेरा दावा है आप फ्लाइट कैंसिल करेंगे, छाती से बोलती है, छाती से, एन विमान AI-101 नॉट रेडी फॉर डिपार्चर, यात्री सीढ़ी, जो लोग मुझे छोड़ने गए थे वो भी घुस गए, बोले राजू भाई कोई चीज है आपको अकेले नहीं भेज सकते। अच्छा जब पैसेंजर अंदर आता है तब नहीं डराती है, जब पैसेंजर अंदर आएगा सीट बेल्ट बांध लेगा दरवाजा क्लोज हो जाएगा फिर डराएंगी, अगर रास्ते में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो एक नली निकल आएगी, पहले खुद के घुसेड़ लेना, मौका देख के बाजू वाले घुसेड़ देना, इमरजेंसी के लिए आगे दो द्वार पीछे दो द्वार, नहीं देखा द्वार तो सीधा हरिद्वार। प्राइवेट एयरलाइंस में भाई साहब जो वेलकम होता है, पैसे वसूल, ऐसा लगता है अब टेक ऑफ हो चाहे ना हो। पैसेंजर अंदर आ रहा है, एयर होस्टेस कहां रह गए थे, हम लोग कितने परेशान हो गए थे, नो प्रॉब्लम फॉलो मी, पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे जाता है, बोलता सुनीता पकड़ ही तो होते रहते हैं। अच्छा खाने का ऑर्डर लेने आएंगी, कभी कभी पैसेंजर के पूरे मुंह पे घुस जाएंगी लाड़ में झुक के, व्हाट यू प्रिफर, अब इसको तो अच्छा लग रहा है, उधर वाला टेंशन में, उधर वाले का फेस ऐसे, तो कहती डोंट वरी अभी उधर भी आऊंगी तब इसका फेस देखना, एक्सक्यूज मी यू आर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, अब वो समझा नहीं इंग्लिश तो कह रहा सब कुशल मंगल है, नो नो आई मीन यू आर शाकाहारी मांसाहारी बिहारी बिहारी। हमने जापानी क्रू को देखा है, ये जापानी क्रू से आप पानी मांगे सिंपल वाटर मांगिए, वो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं ये इंडियन आदमी ने बम मांग लिया क्या, एकदम चेहरा उनका अजीब हो जाता है। मैंने घंटी बजाई पानी मांगा टंग टंग, हमने एक्सक्यूज मैडम आई वॉन्ट वाटर, वाटर सर यू वॉन्ट वाटर सर सर यू वॉन्ट वाटर सर यू वॉन्ट वार्म वाटर कोल्ड वाटर सर यू वॉन्ट वाटर, हमने इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रि व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूं निर्जल। दिल्ली और जयपुर की फ्लाइट बहुत छोटी फ्लाइट है, 30 मिनट की फ्लाइट है दिल्ली जयपुर, वहां भी अनाउंसमेंट करेंगे, अगर प्लेन को अगर मजूरी में पानी में उतारना पड़े तो रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे रखे हुए, रक्षा जैकेट को ऐसे निकाल लें, ऐसे गले में डाल दें, ऐसे फुला लें। मैंने कहा मैडम यहां आपको दिल्ली जयपुर में समुंदर कहां मिल रहा है, क्या किसी की बाल्टी में उतारोगे। अच्छा मुझे वो कैरेक्टर मिल भी जाते हैं कॉमेडी वाले, पता नहीं मेरे सर पे वो पैसेंजर आ भी जाते हैं जिनसे मुझे ह्यूमर मिलता है, एक मुझसे कह रहे हैं अरे राजू भाई हमें विंडो पे जाने थी विंडो, हमने कहा आपको बादल वगैरह देखना है, नहीं खिड़की से थूकना है। एक कह रहा अरे राजू भैया विंडो पे देखो विंडो पे जहाज कितना ऊपर आ गया है, आदमी चींटी के बराबर दिख रहा है, हमने कहा महाराज अभी टेक ऑफ नहीं हुआ है वो चीटी है। इंटरनेशनल फ्लाइट में सबसे ज्यादा परेशान होते मैंने उस आदमी को देखा है जिसकी सीट टॉयलेट के सामने पड़ जाती है, वॉशरूम के सामने, अब 9-10 घंटे की फ्लाइट टॉयलेट सामने बैठा, थोड़ा नींद आई तभी अंदर से फ्लश की आवाज आई, अब जाग गया भाग सकता नहीं है क्या करे, तो खुद ही कमेंट्री करता है अपने लिए, कोई धो रहा है। अच्छा धोने के बाद वो निकला नहीं, 5-10 मिनट नहीं निकला तो खुद ही कह रहा है पैंट पहनने में इतना टाइम। फिर भी नींद नहीं आ रही है तो अब क्या करे, तो सोचता चलो लोगों के पैसेंजर्स की हेल्प करते हैं, उधर से जो जा रहा है लेफ्ट मत जाओ लेफ्ट वाले मत जाओ पानी नहीं आ रहा है, राइट वाले में कोई गया है। आजकल आज का किस्सा मैं किसी आदमी ने मुझे ये कोरोना से बचने के लिए यहीं पे भुवनेश्वर में ये मास्क दिया है और मैं जानबूझ के दिखाने के लिए लाया हूँ, ये मास्क दिया है मैं उनको धन्यवाद, लेकिन उनको बता दूँ मैं पहनूंगा नहीं, पता है क्यों, पीछे लिखा है मेड इन चाइना। ये कौन सा पकड़ा दिया है यार, ये तो प्रसाद में ला के दे रहा है, कोरोना की वजह से छुट्टी मांग रहे हैं ऑफिस में, साहब के केबिन पे आए
साहब साहब नमस्कार साहब साहब हमें छुट्टी दे दीजिए एक महीने की। हाँ पेड लीव दीजिए पेड। हाँ तनख्वाह ना काटिए साहब। क्यों क्यों एक महीने की छुट्टी क्यों है? एक महीने की छुट्टी क्यों साहब? हमको कोरोना वायरस आ गया है, वायरस हमारे अंदर घुसा है, एक महीने की छुट्टी दे दीजिए साहब। अच्छा अगर छुट्टी ना दें तो फिर हम रोज आएंगे आप ही से मिलके जाएंगे। दीवार में एक सीन है जब अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीदते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हैं तो बिल्डर बहुत सरप्राइज हो जाता है कि आदमी एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों कर रहा है। तो दोनों के बीच कन्वर्सेशन होता है, लास्ट लाइन मैंने अपनी तरफ से उसमें जोड़ी है। विजय माफ कीजिए आपको बिजनेस करना नहीं आता? अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए का डिस्काउंट दे देता। ऐसी क्या खास बात है इस बिल्डिंग में, आप एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं डागा साहब आपको मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था मेरी मां ने इसमें मजदूरी की। मेरी मां ने इस बिल्डिंग में ईंट गारा और मोरंग ढोया है और आज ये बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी मां को गिफ्ट करना चाहता हूं। मुझे बिल्डिंग हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। एनी हाउ माफ कीजिए बिजनेस करना तो आपको नहीं आता, अगर आप कहते तो इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए आपको और दे देता, क्योंकि ये बिल्डिंग ये मुझे हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। एनी हाउ अब मेरी लाइन। अच्छा तो आजकल तुम्हारी माताजी कहां है? क्यों डॉगर साहब? इधर भुवनेश्वर में मेरी 2-3 बिल्डिंग और बन रही हैं। वो चाहे तो उसमें मजदूरी कर सकते बस ये प्यार मोहब्बत इसी तरह से बनाए रखिए, हंसते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ऐश करिए, कोई कुछ बोले तो मुझे बताइए। वाइल्डस्टोन तरंग सिने उत्सव 2020